राधे राधे फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ दिनों से इतनी गर्मी थी कि सबके हालत ख़राब हो गए थे। अब 3-4 दिन से कंटिन्यू इतना बारिश हो रहा है कि बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और आज मेरे बेटे के वैन वाले भैया भी नहीं आ पाए थे, तो ठंडा ठंडा मौसम भी था। बोला मम्मा प्याज के पकौड़े बनाओ ना, तो मैंने सोचा चलो आज बेटी की फरमाइश ही बनाते हैं, तो चलिए प्याज के पकौड़े बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ प्याज और एक आलू, मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाने हैं तो इसलिए मैंने थोड़े से लिए हैं। आलू को मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है और हम प्याज को भी अब काट लें। मेरा प्याज कट के रेडी हो चुका है, तो इसमें डालूंगी मैं बारीक कटी हरी मिर्च, और ये जो मैंने बारीक बारीक आलू काट के रखा था ना, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। सारा बिल्कुल बारीक बारीक काटना है आलू को, एकदम छोटे छोटे, ताकि वो बेसन के साथ मिक्स हो जाए। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, और इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी। प्याज के पकौड़े में ना मिर्ची पाउडर अच्छा नहीं लगता, इसमें हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, हरी मिर्च का ही इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो लाल मिर्च से अच्छा इसमें आप हरी मिर्च ही काट के डालें। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको सिंपल ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं मिक्स करूँगी हल्का सा बिल्कुल जीरा पाउडर, एकदम हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। अब हम इसमें मिक्स करेंगे बेसन। इसमें हम मिक्स करेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन और चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ना पकौड़ा बहुत कुरकुरा बनता है, और चावल का आटा के बिना तो पकौड़ा बन ही नहीं सकता। बन तो सकता है लेकिन कुरकुरा नहीं बनता, इसलिए इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स ज़रूर करें। और मैं इसमें डालूँगी हल्का सा सरसों का तेल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको प्याज के पकौड़े बनाने हो तुरंत, तब भी आप उसमें नमक डालें, नहीं तो वो ना पानी छोड़ देता है। तो ये थोड़ा सा इसमें पानी की कमी, तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं अब लास्ट में नमक ऐड करूँगी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि आप प्याज के पकौड़ों में बेसन उतना ही ऐड करें जितना वो, जिससे कि वो बाइंड हो सके। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो लूज सा हो जाता है, फिर वो क्रंची नहीं बनता है। इसलिए आप उतना ही इसमें बेसन मिक्स करें जितना कि ये बाइंड हो सके। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो लूज होने लगता है और क्रंची नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम अपने प्याज के पकौड़ों को तल लेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बारिश होती है और चाय के पकोड़े हो, सबसे पहले क्या याद आता है कि चाय के पकोड़े हो, साथ में चाय हो, तो भाई पकोड़े बना रहे हैं तो चाय तो बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाय भी साथ साथ बना रही हूँ। और भाई चाय में अदरक ना हो तो मुझे लगता है कि चाय ही बेकार है, मुझे तो एकदम अदरक वाली चाय चाहिए भाई। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज के पकौड़े फ्राई कर लेंगे। बहुत लोग प्याज के पकौड़े में ना बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं, जैसे गर्म मसाले और भी कुछ मसाले, तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ना डालें। इसको जितना ही आप सिंपल बनाएंगे, सिर्फ बेसन, चावल का आटा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा हरी मिर्च, तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और जब ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, प्याज का अच्छे से टेस्ट नहीं आ पाता है। और हम औरतें ना एक काम के साथ साथ घर के सारे काम, मतलब चाहते हैं कि एक काम के साथ साथ और भी हम काम करते रहें। तो इधर मेरा साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं और यहाँ पे पकोड़ा और चाय भी बन रहा है। मेरे पकोड़े बन, तो यहाँ पे पकोड़े हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और साथ में मेरी चाय भी हो रही है, लगभग वो भी पक चुकी है। तो मुझे पकोड़ों के साथ चाय, अगर चाय ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है पकौड़ों का, तो इसे हम निकाल लें। मेरे चाय और पकौड़े तो रेडी हैं, मैं तो चली खाने। अगर आपको भी खाना है तो आ जाइए, और आपको भी अगर पकौड़े खाने का मन हो प्याज के तो बिल्कुल बनाइए, और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। बाय बाय।